मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजेनोलाइसिस का रेगुलेटरी एंजाइम है, क्योंकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस के जो तीन स्टेप्स हैं उनमें से जो पहला वाला स्टेप है वही रेट लिमिटिंग स्टेप है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। डीफॉस्फोराइलेशन से ये इनएक्टिव हो जाते हैं और फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको बी लिखा जाता है। इसके बाद में डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है, ये इनएक्टिव है, और ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए, ये एक्टिव फॉर्म है। और फॉस्फोराइलेज काइनेज इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, एटीपी यहाँ पे एडीपी बनते हैं, ठीक है। और इसको एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन फॉस्फेटेस, ठीक है। ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को रोकते हैं, इसको प्रोटीन फॉस्फेटेस वन बोला जाता है। ग्लूकागन और एड्रेनालिन इस स्टेप को स्टिमुलेट करते हैं, और इंसुलिन इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं। इस स्टेप यानी कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस को एक्टिव करते हैं, करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं। ग्लूकागन और एड्रेनालिन और इंसुलिन इसका उल्टा, प्रोटीन फॉस्फेटेस को स्टिमुलेट करते हैं, इसको ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस को इनएक्टिव कर देते हैं इंसुलिन। अभी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहाँ पे एपिनेफ्राइन बीटा रिसेप्टर पे लगते हैं, और फिर एडेनाइल साइक्लेज जो सेल मेम्ब्रेन के पास होता है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। एपिनेफ्राइन लीवर और मस दोनों के बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, और ग्लूकागन सिर्फ लीवर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर एटीपी से सीएएमपी बनते हैं, और सीएएमपी फिर 5' एएमपी फॉस्फोडाइस्टेरेज से बनते हैं। फिर सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद ये सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस फॉस्फोराइलेज काइनेस जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है उसको एक्टिवेटेड करते हैं, ठीक है। और ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेज है इसके चार सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। और डेल्टा सब यूनिट कैलमोड्यूलिन के साथ सिमिलर होता है इसका स्ट्रक्चर, इसीलिए जो डेल्टा सब यूनिट है पर कैल्शियम बाइंड करते हैं फॉस्फोराइलेज काइनेज के इस सब यूनिट के साथ। और कैल्शियम आयन के बाइंडिंग के बाद जो कैटालाइटिक साइट है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। इसके कैटालाइटिक साइट गामा सब यूनिट में होता है, और फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेटेड फॉर्म में ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि फॉस्फोराइलेशन करते हैं इसका। इसके बाद ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेटेड फॉर्म में ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं, ग्लूकोज वन फॉस्फेट क्रिएट करते हैं जो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं लीवर में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्टेड होते हैं। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मसल में ये होता है, ये डायरेक्टली एनारोबिक पाथवे में चले जाते हैं। पाइरूवेट बनने के बाद लैक्टेट प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है अलग इसका कारण है लीवर में होने का, ठीक है। और लीवर में इसीलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज फॉर्म होता है लीवर में, और प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ये इंक्रीज करते हैं, मेंटेन करते हैं, और मसल में ये एनर्जी इंस्टेंटेनियस एनर्जी के लिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस होते हैं। और ये ग्लाइकोजन साइकिल है जहाँ पे एक्टिवेटेड ग्लूकोज बनते हैं, उसके बाद ग्लाइकोजन बनते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेस जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है वो इसको कैटलाइज करते स्टिमुलेट करते हैं, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म से इनएक्टिव बनते हैं सीएएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के प्रेजेंस में, क्योंकि ये
कैटेबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस को ये रोकते हैं, और इसीलिए ग्लाइकोजन सिंथेस को एक्टिवेटेड फॉर्म से इनएक्टिव कर देते हैं। और अभी जो इनहिबिटर वन जो प्रोटीन है उसको देखेंगे, तो इनहिबिटर वन एक प्रोटीन होता है जो एक्टिवेटेड हो जाते हैं जब फॉस्फोराइलेशन होता है इसका। CAMB डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज इसको स्टिमुलेट करते हैं इसको एक्टिव करने में। और अभी देखिए पीपी को, पीपी यानी कि प्रोटीन फॉस्फेटेज वन जो ये सब रिएक्शंस को इनहिबिट कर देते हैं, फॉस्फोराइलेज काइनेज को इनएक्टिव होने से रोकते हैं, और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनएक्टिव होने से रोकते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेस को ये एक्टिव होने से रोकते हैं। यानी कि ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेज वन ये कैटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं इसके जैसे, ये तो स्टिमुलेट करते हैं और ये इनहिबिट करके ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ावा देते हैं। और ये इनहिबिटर प्रोटीन वन इनहिबिटर वन जो प्रोटीन है ये जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं, इनहिबिटर वन फॉस्फेट जब हो जाते हैं तब ये प्रोटीन फॉस्फेटेज को ये इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हर एक प्रोटीन फॉस्फेटेज को प्रोटीन फॉस्फेटेज वन को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये एक्टिवेटेड होते हैं CAMB डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज से। तो हम देख सकते हैं कि इनहिबिटर वन प्रोटीन के एक्टिवेशन एक तरह से नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है।